नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम आपके लिए बनाएंगे बहुत ही सिंपल और बच्चों की बहुत ही फेवरेट रेसिपी। आज हम बनाएंगे पॉपकॉर्न। तो हम घर पे ही बनाएंगे, तो आप देखना कैसे बनाएंगे। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो चलो चलते हैं पॉपकॉर्न बनाने। पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैंने गैस पर रख दी है कढ़ाई, तो अब इसमें डाल दूँगी मैं ऑयल। तो आप कुकर भी ले सकते हो कढ़ाई ना हो अगर आपके पास, तो मैंने कढ़ाई ली है और उसमें डाल दूँगी मैं ऑयल। तो यहाँ पे मैं 2 चम्मच ऑयल ले लेती हूँ। ऑयल आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकती हो, सरसों का तेल ना लें रिफाइंड ऑयल ही लें। उसमें डाल देती हूँ मैं थोड़ी सी मकई के दाने और इनको हम अच्छे से भून लेंगे। गैस का फ्लेम हाई होना चाहिए, हम जब तक ऐसे ही चलाते रहेंगे जब तक इनको फूटना शुरू नहीं हो जाता। और इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। तो मैं यहाँ पर ऐड करूँगी इसमें नमक। नमक आप बाद में भी डाल सकते हो लेकिन मैं यहीं पर डाल रही हूँ। और इसमें डालूँगी 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर। इन दोनों को फिर से अच्छे से मिक्स कर देती हूँ मैं। तो मैं ये मसाले वाले पॉपकॉर्न बना रही हूँ, आप सिंपल भी बना सकती हो। और नमक ऊपर से भी ऐड हो जाता है लेकिन मैं यहीं पे ऐड कर रही हूँ। उसमें डालूँगी मैं थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्च 1/4 चम्मच के करीब ही। और इसको भी हम मकई के साथ अच्छे से भून लेंगे। और इनको हम जब तक चलाते रहेंगे जब तक ये कम से कम फोड़ना शुरू ना कर दे। और गैस का फ्लेम आपको बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है, गैस का फ्लेम आपको हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पे ही बन के तैयार होते हैं। तो आप इन्हें जब भी आपका मन करे तो आप घर पे बना के खा सकते हो, बच्चों को भी दे सकते हो। आपको कोई पिक्चर देखनी है और साथ साथ हो पॉपकॉर्न तो मज़ा ही आ जाता है। तो आप उस तरह से घर पे बना सकते हो। हर समय आप बाहर तो नहीं जा सकते लेने, तो उसके लिए आप बस घर पे मकई ला के रख लो और जब मन हो तब इन्हें बना लो। 2 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये अच्छे से सिक गए हैं, बस इन्हें ऐसे चलाते हुए रहना है। बीच में छोड़ भी सकते हो, बस इतना ध्यान रखना है कि फोड़ना शुरू कर दें तो बस आपको इसे बंद कर देना है, तुरंत ही ढक देना है मतलब। और जिस जो भी बर्तन हो उस ढक्कन वाला बर्तन होना चाहिए जिससे आप ढक सको, ऐसा कोई बर्तन होना चाहिए। कुकर भी चल सकता है, कढ़ाई हो, लेकिन उसके ऊपर ढक्कन होना चाहिए ढकने के लिए। अगर आप थार लोगे तो थोड़ा सा गुंजाइश छोड़नी पड़ती है खोली होने के लिए। तो यहाँ पर भी फोड़ना शुरू कर दिया है, हम इसे ढक देते हैं। गैस की गैस निकलती रहेगी और जब तक हम इसे नहीं करेंगे तब तक इन्हें ऐसी आवाज़ आती रहेगी, तब तक हम इसे नहीं खोलेंगे। तो आप देख लो आपको आवाज़ आ रही होगी इनको फूटने की, तब तक इसका फूटना बंद ही हो जाएगा जब तक हम इसे खोलेंगे नहीं। तो हमारे मसाला पॉपकॉर्न बनके तैयार होंगे। कितनी आवाज़ आ रही है आप देख रहे होंगे। गैस का फ्लेम हाई रखना। यहाँ से कम इसकी हवा निकल रही है, हवा नहीं निकलती होती तो थोड़ा सा खुला छोड़ना पड़ता है। तो अब ये बंद हो गए हैं फूटना, तो हम इसको खोल लेते हैं। तो आप देख सकते हो हमारे पॉपकॉर्न बन गए हैं। चलते हैं सर्व करने। यहाँ पे मेरे पॉपकॉर्न बनके तैयार हो गए। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए ऐसी सिंपल और टेस्टी रेसिपी लाती रहूँगी। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।